आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपका चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा हुआ है तो इस चैनल को क्या मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा। चैनल में दो तरह का स्ट्राइक होता है, एक होता है वार्निंग स्ट्राइक और एक होता है जो है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो मेरा यहाँ पर देख सकते हो चैनल में दोनों ही है, यहाँ पर वार्निंग स्ट्राइक भी है, मतलब कि वार्निंग में दिया हुआ है, उसके बाद जो है यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी है एक। अगर मैं अभी मोनेटाइज के लिए इस चैनल को रिव्यू में भेज दूंगा तो यहाँ पर जो इस चैनल को मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा स्ट्राइक रहने से, तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, यहाँ पर जो है रिव्यू के लिए भेजो या फिर नहीं भेजो, यही आपका दिमाग में चल रहा है, तो इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ, अगर आप किसी दूसरे का कॉन्टेंट अभी भी आपका चैनल में है, ठीक है, कॉपी स्ट्राइक नहीं हुआ है उस वीडियो में, अगर कोई भी कॉपीराइट नहीं आया है, अगर किसी दूसरे का कंटेंट लेकर अभी भी आपका चैनल में पड़ा हुआ है तो उस जो है वीडियो को यहाँ पर डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि आप उसी वीडियो अगर आपका चैनल में रहेगा तो रिव्यू में भेजोगे तो अगर मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ा हुआ है तो भी अगर भेज दोगे रिव्यू के लिए फिर भी मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन अगर आपका कंटेंट दूसरी का कंटेंट अगर आपका चैनल में अभी भी है, ठीक है, उस कंटेंट को अभी डिलीट कर दो, उसके बाद ही जो है यहाँ पर मोनेटाइज के लिए फिर भेजना, ठीक है, उसके डिलीट करने के बाद ही मोनेटाइज के लिए रिव्यू के लिए भेजना, ठीक है, उसके बाद ही जो है आपका मोनेटाइज हो पाएगा, उसके बाद जो है मोनेटाइज नहीं करना, ठीक है। अगर इस इंफॉर्मेशन को अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।